हेलो एंड वेलकम टू माय आवर चैनल डिफेंस स्टडी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो अप्रेंटिस पदों पर भर्ती जारी की गई है। टोटल आपके 404 पदों पर भर्ती इसमें जारी की गई। इस वीडियो में आपको बताएंगे इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में और इसकी सैलरी के बारे में और इसका कैसा पैटर्न रहेगा, साइड ट्रेनिंग देने वाले हैं और कितनी वैकेंसीज पर पोस्ट आई हैं और क्या कौन से पद पर इसमें भर्ती आई, साइड ट्रेनिंग देने वाले। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अप्रेंटिस पदों के लिए। इसका जो नेम है वो आईएसएल रिक्रूटमेंट 2020 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 404 टेक्नीशियन एंड ट्रेड अप्रेंटिस पोस्ट के लिए। दोस्तों सबसे पहले इसकी टोटल वैकेंसीज की बात करें, इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 404 पदों पर भर्ती इसमें जारी की गई है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो स्टार्टिंग डेट जो है वो 29 मई 2020 को हो गई थी। इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 18 जून 2020 शाम के 5 बजे तक इसकी क्लोजिंग डेट है। अब दोस्तों इसकी जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट है वो 22 जून 2020 शाम 5 बजे इसकी आपके जो एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसके बाद एज लिमिट क्राइटेरिया बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम आपकी 24 साल है और जो आपकी एज ली जाएगी वो 31 मार्च 2020 से आपकी एज इसमें ली जाएगी। इसमें SST OBC के लिए उसको छूट दी जा रही है, कुछ गाइडलाइंस दिए हैं इसके नोटिफिकेशन में तो उसको आपको पढ़ लेना है। इसमें जॉब लोकेशन है तो जॉब लोकेशन आपको वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम इसकी जॉब लोकेशन होगी आपकी। अब दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसकी जो वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए है जो ट्रेड अप्रेंटिस फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक हो गया और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिकल, इन सभी के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए, आपको 10th पास आउट होना चाहिए, उसके साथ साथ ITI होना चाहिए विथ आपके साथ NCVT या SCVT से आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम 6 नंबर में आते हैं मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, सिविल, इनके लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ये पढ़ने वगैरह या फिर BTech से आपका डिप्लोमा होना चाहिए अप्रेंटिस के लिए। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट आता है आपको दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट जिसको भी बोल सकते हैं। इसके लिए आपको आपके पास 12th पास आउट होना चाहिए, केवल 12th पास आउट होना चाहिए बस, और उसमें कुछ नहीं मांगा गया। नेक्स्ट आपका आता है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए है, तो उसके लिए आपके पास ITI का अगर सर्टिफिकेट है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट है या कोई दूसरा सर्टिफिकेट है वो भी लगा सकते हैं विथ आपके पास 12th एग्जाम पास आउट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों ट्रेड फिटर के लिए, तो बिहार जो राज्य के लिए है बिहार राज्य के लिए फिटर ट्रेड के लिए, तो फिटर में आपको इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, अप्रेंटिस मैकेनिकल, इनके लिए आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ आपके पास 10th का एग्जाम पास आउट होना चाहिए। नेक्स्ट आपके आते हैं 3 साल डिप्लोमा के लिए, आपका होता है टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, इंस्ट्रूमेंट और अप्रेंटिस सिविल, ये सारे बिहार के लिए हैं, इसमें भी आपको 3 साल डिप्लोमा चाहिए, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, BTech होगा, किसी भी इंडस्ट्री से इंडिया की कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आता है आपका उड़ीसा ट्रेड राज्य के लिए, तो उड़ीसा में आपको फिटर इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, अप्रेंटिस मैकेनिक के लिए आपको 10th पास आउट होना चाहिए विथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका वगैरह, जैसे इसमें भी आपके उड़ीसा राज्य के लिए अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंट, अप्रेंटिस सिविल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, ये सब इंजीनियर टाइप की जो कुछ है और कुछ अप्रेंटिस के लिए, तो उनमें आपके पास 12th पास आउट होने के साथ साथ आपके पास 3 साल डिप्लोमा होना जरूरी है। अब दोस्तों इसके झारखंड राज्य के लिए बात करें, झारखंड के लिए, तो झारखंड में आपके लिए अप्रेंटिस फिटर इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, अप्रेंटिस मैकेनिकल के साथ में आपको 10th पास आउट होना चाहिए विद ITI पास, यानी आपके जो भी राज्य जितने भी राज्य इसमें दिए हैं उनमें आपके सेम दे रहे हैं, सेम क्वालिफिकेशन माए गए हैं। तो दोस्तों आपको साइड टेस्ट में इस चीज़ों को पढ़ लेनी है और पढ़ने के बाद इसको अप्लाई करना है। अब दोस्तों इसमें कितनी क्या पोस्ट आई, तो वेस्ट बंगाल के लिए आपको टोटल 71 पदों में भर्ती आई है, जिनमें से फिटर, टीचर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन चीज़ों के लिए आपके पूरे 71 हो गई और 91 हो गई, ये सारी आई है। इसके बाद बिहार राज्य के लिए इनमें से आपके फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट के लिए, इनमें के लिए पूरे 18 पद हैं और बाकी टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए, तो मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए और आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 है, बाकी के लिए 29 है। ऐसे करके उड़ीसा में आपके फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट मैकेनिकल, इनके लिए 25 हैं और जो टेक्निकल अप्रेंटिस हैं उनके लिए 26 पदों पर भर्ती इसमें जारी की गई है। यानी कि टोटल जो आपके पोस्ट पर वैकेंसी है वो 404 पदों पर भर्ती जारी की गई है। अब दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट होगा, इसमें रिटन एग्जाम होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आई है, तो दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है इंडियन ऑयल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से सारी चीज़ पढ़ सकते हैं। इसमें आपकी साइट डिटेल दी हुई है, यहाँ पर आप ट्रेड अप्रेंटिस की
स्टेट दी हुई, यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन दी गई, यहाँ पर कितना कितनी वैकेंसी होंगी, एसटीएसटी ईडब्ल्यूएस हो गया, जनरल अनरिजर्व के लिए सारी डिटेल्स में लिखी हुई है, तो आप लोगों को आसानी से पढ़ लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बताइए कि हमें ये डाउट लग रहा है, तो हम उसको कमेंट में ही आपको बता देंगे कि क्या आपको डाउट लग रहा है। आपको इसमें एग्जाम के लिए भी दिया गया है, ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए, इसमें आपके कितने क्या नंबर के, रीजनिंग कितने नंबर की आएगी, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कितनी का आएगी, इसमें आपको जो ये जनरल एबिलिटी एप्टीट्यूड के लिए इसमें 30 नंबर के लिए है ट्रेड अप्रेंटिस में, और रीजनिंग एबिलिटी के लिए 30 नंबर है, बेसिक इंग्लिश के लिए लैंग्वेज के लिए 30 नंबर है। ऐसे कि डाटा इंटरप्रेटर के लिए भी जनरल एप्टीट्यूड में 25 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 मार्क्स, के लिए 25 होगा, जनरल अवेयरनेस के लिए 25 है, टोटल आपके 100 नंबर्स का इसमें एग्जाम होगा। इसमें नीचे आपको सिलेबस भी दिया हुआ है, तो आपके सारी डिटेल्स में दी हुई है, तो आप लोगों को आसानी से पढ़ लेनी, पढ़ने के बाद इसको अप्लाई करना है। तो दोस्तों ज़्यादा ऐसे हम सारी डिटेल बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसकी लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप जो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये आज का हमारा वीडियो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अप्रेंटिस के बारे में? तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।